हमारा लुक कहीं पर भी अलग नजर नहीं आया। हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते, आपको क्या चाहिए, आइस आर नाइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। तो मोदी जी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जब जब चुनाव आएंगे तब तब वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ईडी पहले आते थे, बाद में मोदी जी। कल अचानक तेलंगाना में ईडी और मोदी दोनों मिलके एक साथ साथ में आ गए। तो ये केस का मामला तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से ये केस जुड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ केस बना है, वो सिलसिले में बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए, उसमें एक तले 4-5 लोगों को तेलंगाना से भी उठाए। तो इसमें कांग्रेस का जो अप्रोच है मोदी जी सरकार के खिलाफ, तेलंगाना को वही सोच है। हमारा केंद्र अध्यक्ष या हमारा पार्टी नेता लोग जो बोल रहे हैं वही बात हम मदद दे रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मगर तेलंगाना में जो नाटक चल रहा है ये नाटकबाज बंद करो बोल के हम कह रहे हैं। सी, आई डोंट चेंज माई स्टैंड, स्टिल आई एम सपोर्टिंग माई पार्टी स्टैंड हियर इन ट्यून्स ऑफ मोदी ओनली दे आर प्लेइंग। जस्ट वन डे बिफोर द नोटिफिकेशन दे हैव अरेस्टेड कविता फॉर पोलिटिकल बेनिफिट फॉर बीआरएस एंड बीजेपी। दे आर एक्टिंग लाइक देयर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टिल माई स्टेटमेंट इज सेम, आई डोंट चेंज माई स्टैंड। दिस अरेस्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस बाई नरेंद्र मोदी जी।